मध्य प्रदेश में रविवार को कई जिलों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। 19 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की वजह से प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। 4 मई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। देखिए खबर। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में 29 जिलों में बारिश हुई। 8 जिलों में ओले गिरे। खरगोन में 2 इंच, नर्मदापुरम में 1 इंच पानी बरसा। बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिन भोपाल समेत प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। 25 जिलों के लिए बारिश का येलो और कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल में मई का पहला सप्ताह भी बारिश भरा ही रहेगा, यानी तेज और रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा और 1 और 2 मई को हल्की बारिश होगी। वहीं 3 मई को तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि होने और बिजली गिरने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। घर के अंदर रहे, खिड़की और दरवाजे बंद करें, संभव हो तो यात्रा से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे खड़े नहीं हो, कंक्रीट के फर्श पर न लेटे और दीवारों का सहारा ना ले, उन सभी वस्तुओं से दूर रहे जो बिजली का संचालन करती हो। यदि फसल खेत या खलिहान में रखी हो तो उसे किसान बाहर निकाल ले।